1 2 3। चलो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, चलो इसको काट लेते हैं पहले। ये काट लिया और इसको जो हम प्यार से बाहर खोल लेते हैं। ठीक है, अरे ये रहा इसमें, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये रहा इसका पूरा सिस्टम। ठीक है, ये इसका स्टैंड है, ये रिमोट कंट्रोल है, ये फ्लश है, ये केबिल है और आपका फोल्डर है, मोबाइल फोल्डर, और ये माइक है। विथ माइक आते चले इसको सेट करते हैं और देखते हैं क्या कमाल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा स्टैंड और अब निकालते हैं इसके ऊपर लगाने के लिए इस स्टैंड को। ठीक है, ये आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आप टिकटॉक बनाते हो ऐसे लगा के मोबाइल यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। दोनों चीज़ दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले निकालते हैं इसको, लगाते हैं यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से अब इसको इसको पुश करके सीधा कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दोनों सिस्टम हैं। तो हम पहले इसको लगाते हैं अपना यूट्यूब के लिए। तो हमने ये इसको 1 2 3 ऐसे पकड़ लेते हैं इसको और यहाँ से बढ़िया हमने इसको ये टाइट कर दिया जनाब। ठीक है, तो अब ये हमारा ये ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। ओके, अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम फ्लश की लाइट। तो ये यहाँ से हम पहले इसको ढीली कर लेंगे और ये हमने फ्लश की लाइट टाइट कर दी। ये फ्लश की लाइट लग गई। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं माइक। ये रहा माइक इसका, तो माइक को यहाँ से ढीला कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको, ये माइक हमने फिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये माइक को टाइट कर देते हैं हम। ये हमारा पूरा स्टैंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, मोबाइल फोल्डर, फ्लैश लाइट और ये माइक, और ये है माइक का केबल जो कि एंड्रॉयड के लिए आता है। और इसके लिए अगर आपके पास आईफोन है तो कोई मुश्किल नहीं है। छोटा सा 6 से 6, 10, 6, 7 रियाल, 10 रियाल खर्चा है। ये हमने माइक लगा दिया। अगर आपको नॉर्मल ये चीज़ है तो वेलकम है, बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास आईफोन है तो एक ऐसा OTG आता है, इसको हम इधर फिट कर देंगे ये, और ये लगा देंगे आईफोन में। ठीक है, आईफोन के लिए सिर्फ इस तरह सिस्टम लेना पड़ेगा, वरना आपका ये माइक इसके लिए आता है। तो चले इसका रिप्लाई देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका सबसे अच्छा ये है, एक तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चले इसका पहले बैटरी लगा लेते हैं। इसमें एक्चुअली लगती है बैटरी। ठीक है, तो हम इसको खोल लेते हैं और इसमें लगा लेते हैं बैटरी। दो बैटरी लगती है ताकि जहाँ पे लाइट ना हो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पे ये हमने एक बैटरी ये लगा दी और ये दूसरी बैटरी जनाब ये लगा दी। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 1 2 3 बंद। ठीक है, और ये हो गया बंद। और हम देखें सबसे पहले इसमें इसको हम स्टैंड भी बना सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसे करके खोल लेंगे। ये देखें, ये ठीक है, ये खुल गया और इसको मैं ऐसे न्यू स्टैंड बना के रख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये हम इसको ऐसे स्टैंड बना के रख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये हमारा कहीं भी आउटडोर में हम इसको ऐसे शूट कर सकते हैं, किसी के साथ भी। अब हम इसकी लाइट का जो कमाल है ना वो दिखाते हैं आपको। तो ये यहाँ से ये हमारा स्विच दिया हुआ है लाइट धीमी तेज करने का, इसको जला लेते हैं। ये देखें, ये जल गया लाइट। ठीक है, ये देखें, और आप माइक बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको किसी का भी। अब मैंने इसको आउटडोर में शूट करा है, मैंने पूरा मैच जो पाकिस्तान में कह रहा हूँ जो जद्दा के अंदर हुआ था वो मैंने इसी ट्राईपॉड से शूट किया था पूरा, क्योंकि इसी माइक से शूट किया था। ये माइक भी बहुत अच्छा काम करता है और आपको कहीं किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई दो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हों तो इसको ऐसे सेट करके रख दें ये, और आराम से बैठ के बात कर सकते हैं जहाँ पे लाइट ना हो। मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट करा है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, वो गाड़ी के अंदर, तो वो भी मैं आप लोग को इस एक छोटा सा शॉट दिखा दूंगा कि गाड़ी के अंदर आपको आउटडोर में जहाँ पे लाइट ना हो,
जहाँ पे रोशनी ना हो आपकी, आप आउटडोर शूट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के बना रहे हो, उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप कैसा है। आप इस पे लाइव जा सकते हैं बैठ के, वीडियो बना सकते हैं। गाड़ी के अंदर नहीं, बाहर रोड के ऊपर जहाँ पे लाइट ना हो वहाँ पे आपको ऐसी लाइट दे सकती है। इसको धीमी धीमी तेज भी कर सकते हैं आप, फुल ऑप्शन देखें। तो जनाब ये हमने इसका पिन लगा दिया इसके अंदर, और ये ऊपर माइक फिट कर दिया। ये आपका सिस्टम आपको पूरा सामने है और अच्छी चीज़ है। अब हम इसको, अगर आप ये YouTube के लिए हो गए जिसमें हम मोबाइल इस तरह से का, अब आप टेंशन में रहोगे कि अगर हमें कोई TikTok बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि ये बीच में डिस्टर्ब ना करे हम लोग को, और उसके बाद यहाँ से हम इस फ्लैश को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने अलग कर लिया, और यहाँ से ये मोबाइल का जो स्टैंड है ना इसको खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने खोल दिया। अब हम ये वाला हिस्सा जो है ये से फिट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये फिट कर दिया हमने। अब हम इसको न्यू उठा लेंगे, ठीक है, और इसको न्यू ऐसे घुमा देंगे। ये जनाब, ये हमने अपना मोबाइल इस तरह से खड़ा करके फिट कर दिया। अब आप इस टेंशन में होंगे कि अब मोबाइल खड़ा कर दिया तो ये देखें, ये आराम से इसको शूट कर सकते हैं आप आउटडोर में, ये देखें, ठीक है। अब हम इस टेंशन में कि अब हम फ्लैश कहाँ पे लगाएंगे और माइक कहाँ पे लगाएंगे, तो चले माइक दिखाता हूँ, फ्लैश दिखाता हूँ। ये हम पहले इसको खोल के रख देते हैं ये, ताकि हमें लगाने में तकलीफ ना हो। ये देखें, ये पूरा सिस्टम वैसे ही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको यहाँ पर साइड में, ये देखें, ये हमने फिट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये जनाब हो गया। और अब हम इसमें ये माइक लगा देते हैं, ये लग गया माइक, और ये लग गया इसका वायर। ये हो गया आपका टिकटॉक की शूटिंग के लिए। अब आप यहाँ पे टिकटॉक बना सकते हैं, और वो यूट्यूब के लिए मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से लाइट ऑन कर लें, ये देखें यू। अब आप कहीं भी खड़े होके किसी का टिकटॉक भी बना सकते हैं, यूट्यूब भी बना सकते हैं, किसी तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक की रही बात, तो एक सिस्टम वो हो गया माइक का, दूसरा आप यहाँ पे यू लगा सकते हैं। आपको जैसी मर्जी है वैसे लगाएं, सब तरफ से आपके लिए चालू है ये लाइट। इसकी आप धीमी तेज भी कर सकते हैं, देखिए मैंने लू कम कर दी, और ये मैं फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसका लाइट का सिस्टम दिया हुआ है, धीमी भी कर लें, तेज भी कर लें, और ऑफ भी कर दें। ये देखिए मैंने ऑफ कर दिया। मुझे बहुत चीज़ पसंद आई, आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक मार दें, और अपने कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं कि मैं आप लोगों को किस तरह की वीडियो और दिखाऊं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, तो मेरे आने वाली वीडियो फट से आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, परवरदिगार हम सबको नेक और हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने परिवार का, अपने वालदैन का बहुत ख्याल रखें। जजा